सलमान खान फायरिंग केस में आया नया ट्विस्ट। कोर्ट ने 6 आरोपियों के खिलाफ कही हैरान कर देने वाली बात। मुंबई कोर्ट ने कसा शिकंजा, अब 6 आरोपियों की खैर नहीं। जी हां, सलमान खान के घर गोलीबारी के आरोप के खिलाफ कोर्ट ने क्या तैयारी की है, आइए जानते हैं। दरअसल मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सलमान खान के बांद्रा वाले घर पर अप्रैल में हुई फायरिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों के खिलाफ प्राइमरी एम्पल एविडेंस मिले हैं। देखिए, 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में गोलियां चलाई गई थी। बीते कई महीनों से इस मामले की जांच चल रही है। मामले में अब तक 6 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। सोमवार को मुंबई की स्पेशल कोर्ट में फायरिंग केस की पहली सुनवाई हुई है। स्पेशल कोर्ट के जज बीबी शेल्फे ने कहा है कि केस में कई पुख्ता सबूत मिले हैं, जिनकी मदद से बिश्नोई गैंग के लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। सोमवार को सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग हुई मामले की पहली सुनवाई हुई थी, जिसमें सरकारी वकील जय सिंह देसाई कोर्ट में पेश हुए थे। स्पेशल कोर्ट महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट यानी कि मकोका के स्पेशल जज बीडी शेल्के ने केस की चार्जशीट देखकर कहा है कि मामले में गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस को पुख्ता सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अदालत में कहा गया है कि 5 आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 307 यानी कि हत्या की कोशिश, 34 मतलब सामान्य इरादा, 120B के तहत एक्शन जारी रहेगी। इसके अलावा आरोपियों पर मकोका और आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगेंगी। सलमान खान के मुंबई स्थित घर पर फायरिंग मामले में नवी मुंबई पुलिस ने मकोका कोर्ट में 1736 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें लॉरेंस बिश्नोई समेत 9 आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिसमें से 6 गिरफ्तार हैं। खैर, अब देखना होगा कि सलमान खान के घर हुए फायरिंग केस में मिले सारे सबूतों के बाद इन आरोपियों को क्या सजा मिलती है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।